और स्वर्ग किसके घर में है? अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी। आज्ञाकारी पुत्र हो स्वर्ग के लक्षण चार। जिनके घर में अन्न पुराना हो, देखो पुराना अन्न घर में होना चाहिए, इतना तो हो ही जाना चाहिए कि साल में कभी गेहूं तो नहीं बोल लेना चाहिए, गृहस्थी का स्वर्ग है। अन्न पुराना लेकिन घी नया, और नया घी हो, और नया घी कब होगा? जब दरवाजे पे 75,000 की बंधी होगी ना, बिना गाय भैंस के सेवा से नहीं, नया घी थोड़ी सबको खाने को मिलता है। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, और घर में धर्म परायणा देवी हो। बहन बेटी में तीन बातें जरूर हो, जो बैठी हैं वो सुन लें, और जो नहीं है उनको ये बात बताइए। तीन बात बहन बेटी में जरूर हो, धीरे चलती हो, धीरे बोलती हो, और जब बोले तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, फिर घर में कलह होगा ही नहीं। धीरे चले, ये बहन बेटी की आदत होनी चाहिए, और धीरे बोले, और जब बोले तो चेहरे पर तनाव ना हो, काम करे ना करे लेकिन बोले तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो। काम नहीं करना है तो हंस के बोलो ना, माता जी हमसे नहीं हो रहा है, सॉरी, ऐसे बोल दो। कोई माता जी नहीं है जो आपको फांसी चढ़ा दे, लेकिन ऐसे बोलो तो ना प्यार से। लेकिन आप ऐसे नहीं बोलते हैं ना, आपकी बोलने की जो टोन है वो झगड़े का कारण है। आप जब बोलेंगी तो ऐसे ही बोलेंगी, कराए ले फिर तो ऐसे यहां नहीं बोलते, मतलब और कहीं की बता रहे, धर्मंगतपुर में ऐसे नहीं बोलते हो। ये जो भाषा है ये गलत है ना, इसी से झगड़ा हो रहा है, इसी में जहर है ना। वाणी में ही अमृत है, वाणी में जहर है। अरे जब नहीं करना है तो प्यार से कह तो दो। आज्ञाकारी पुत्र हो, बेटा करे ना करे लेकिन पिताजी बोले कि खेत पे जाना है, अभी जा रहे, वो कल वहां पैसे हाँ ले लेंगे, सवेरे वहां विधुना हाँ चले जाएंगे, ना तो करे ही ना, फिर समझ लो उसके घर में स्वर्ग है। तो देखो साहब, आप अपने घर में ही स्वर्ग बनाइए, हम तो इसीलिए निकले हैं, आप सबको यही समझाने आए हैं।